Good morning, students. I am Durgeshwari Sahu, and today we will discuss about the topic Visual Basic 6.0. So students, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है कि कैसे उसमें वर्क किया जाता है विजुअल बेसिक पे, है ना. वो एप्लीकेशंस पे हमको वर्क कैसे करना है, उस पर टास्क कैसे परफॉर्म किया जाता है. वैसे हमने क्या है उसमें सारा उसका जो डिस्क्रिप्शन है हमने सब देखा है ना, कहाँ पे टूल्स बार्स का क्या वर्क है, आपका मेन्यू बार्स में क्या क्या वर्क होता है, प्रॉपर्टीज विंडो का क्या वर्क है, फॉर्म लेआउट फॉर्म विंडोज का क्या वर्क है, वो सारे चीज के बारे में हमने डिस्कस किया था. ओके, देन हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग एक प्रैक्टिकली देखेंगे कि उस पे वर्क कैसे होता है. जैसे हम लोग कोई सिंपल सा हमको प्रोग्राम बनाने बोल दिए है ना, या हम सिंपल सा क्या है एक आइडेंटिटी कार्ड डिजाइन करना है. ऐसा आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे कि डिजाइन एंड आइडेंटिटी कार्ड कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट्स सच एज नेम, रोल नंबर, एड्रेस है आपका, क्लास स्टडिंग और डेट ऑफ बर्थ है, ब्लड ग्रुप, फोन नंबर एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो एड एंड एग्जिट बटन. ओके, इस टाइप का आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको उसको कैसे डिजाइन करना है उस चीज के लिए. ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिंपल सा आइडेंटिटी कार्ड डिजाइन करना है. तो उसके लिए हम लोग कैसे वर्क करेंगे, हम लोग चल क्या है, हम लोग उसमें क्या करते हैं विजुअल बेसिक पे जाके हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें वर्क कैसे होता है. ओके स्टूडेंट्स, देन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना विजुअल बेसिक. सो टास्क बार पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या पहले से ओपन है, तो हम उसको क्लिक कर देते हैं सिंपली सा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 हमारा क्या हो रहा है. देन हमारा स्टैंडर्ड exe फाइल्स में हमको क्या करना है, क्लिक करना है और ओपन. ये हमारा ओपन हो गया. ओके, सो ये हमारे टूल्स बॉक्स है, मेन्यू बार, प्रॉपर्टीज विंडो, लेआउट, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और आपका ये है फॉर्म विंडो. इस पे हम लोग क्या क्या करना है, फर्स्टली हमको डिजाइन पार्ट फर्स्ट डिजाइन करना है डिजाइन में, और उसके बाद हमको क्या करना है कोडिंग लिखना है. ओके, सो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली डिजाइन करते हैं आइडेंटिटी कार्ड, देन हम लोग क्या करेंगे उसका कोडिंग करेंगे, फिर उसको हम लोग रन करेंगे एक्चुअल में दिखता कैसे है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फर्स्टली आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि कौन सा कैसे यूज करते हैं, क्या कैसे दिखता है ना. तो फर्स्टली हम लोग लेबल यूज करते हैं आइडेंटिटी कार्ड के लिए. तो यहाँ पे मैं सेंटर में ही क्या करती हूँ, इसको यूज करती हूँ. ओके, तो जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे लेवल लिया, उस लेवल का कैप्शन दिखा रहा है. यहाँ से जाके मैं उसका नेम चेंज कर सकती हूँ, उसमें क्या लिखूंगी मैं, आइडेंटिटी कार्ड. ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी कार्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट ये क्या बहुत ही छोटा दिख रहा है, तो और इसको हमको सेंटर में भी लाना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज पे जाके उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देंगे. फर्स्टली हम लोग से फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, देन यहाँ पे 14 ले लेते हैं साइज. ओके, देन ओके, ये हमारा दिख गया आइडेंटिटी कार्ड. अब इसको हम लोग सेंटर पे कैसे लाएं, सेंटर पे लाने के लिए हम उसको क्या देखेंगे, अलाइनमेंट. सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है अलाइनमेंट, वहां पे हम लोग क्या करेंगे क्लिक करेंगे, तो हमको बीच में मिलेगा क्या है, फर्स्ट जीरो में क्या है आपका लेफ्ट जस्टिफाई, वन में क्या है राइट जस्टिफाई, और टू में क्या है आपका सेंटर. तो हमको क्या करना है सेंटर, तो हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं. ठीक है, ये सेंटर में आ गया हमारा. अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है सेंटर में. अब हम उसको क्या करते हैं, इसका कलर भी चेंज करना है अगर, तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, है ना. यहाँ से हम लोग देखते हैं फॉन्ट कलर, इधर फॉन्ट कलर हमको दिख रहा है ब्लैक है, हमको यहाँ पे और कोई कलर चाहिए तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. जैसे हमको ब्लू चाहिए ब्लू, तो हम यहाँ पे हाईलाइटेड कर देते हैं, तो वो क्या हो गया ब्लू कलर पे आ गया. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया चेंज हो गया कलर. ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या क्या लेना था, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, क्लास स्टडिंग, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे हमको लेना था. तो हम लोग फिर से लेबल लेते हैं यहाँ पे, हम लोग और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे क्या है हमारा लेबल वन, लेबल वन ये है, लेबल टू, लेबल टू क्या है हमारा कैप्शन उसका कर लेते हैं हम लोग चेंज. ठीक है, लेबल टू है हमारा नेम समथिंग, इसको हम लोग नेम दे देते हैं, फिर इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं.
ओके, ये दिख रहा है, देन सेम एज हम और लेबल्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ये यहाँ से कट करके, ठीक है, ऐसे हम लोग उसको फिक्स कर सकते हैं बाद में। अभी हम लोग फिलहाल इसका ये ले लेते हैं कि कैसे एक्चुअल में बना रहे हैं, है ना। थोड़ा सा हमारा क्या, ये ट्राई कर रहे हैं हम लोग बनाने का, तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं। देन इस टाइप का हमने क्या है ले लिया, अब हम लोग सिंपली फिल करते जाते हैं। ये कुछ ठीक दिख रहा है। इसमें अब क्या है, लेबल हम उसका कैप्शन चेंज कर देते हैं। कैप्शन यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था आपका, नेम दे दिए, रोल नंबर है ना, रोल नंबर अपन इस पे दे देते हैं, रोल नंबर। इसका फोन चेंज कर देते हैं, बोल्ड एंड 12, ये सबका इक्वल ही रहेगा, है ना। यहाँ से इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं अपन, इसका कैप्शन ले लेते हैं एड्रेस, फोन चेंज कर देते हैं बोल्ड एंड 12। देन आपका यहाँ आते हैं 5 पे, 5 का कैप्शन चेंज कर देते हैं, इसका कैप्शन डाल देते हैं क्लास स्टडिंग, फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं इनका। देन नेक्स्ट हमारा लेवल होता है डेट ऑफ बर्थ, फॉन्ट इसका चेंज कर देते हैं। और भी ले लेते हैं इसमें ब्लड ग्रुप, कॉल नंबर, ऐसा कुछ, है ना। तो फिर से लेवल ले लेते हैं, एक और लेवल, लेवल 7 को चेंज कर लेते हैं, लेवल 7 दे देते हैं ब्लड ग्रुप। चेंज कर देते इसका फॉन्ट, देन 8 हम लोग लेते हैं कॉल नंबर। इसका भी प्रॉपर्टीज चेंज, अच्छा इसका हम लोग 12, ओके। ये हमारा सिंपली आईडी कार्ड के लिए हमारा ये तैयार हो गया। अब इसके सामने हमारा क्या रहता है, नाम है, तो नाम किस में देंगे, टेक्स्ट में, ओके। तो टेक्स्ट जितने हमने लेबल्स लिए हैं उतने हम लोग क्या लेंगे, टेक्स्ट, ओके। तो हम लोग
स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट टू tree लास्ट हम लोग ले लेते हैं यस से हमने ले लिया टेक्स्ट। अब हम लास्ट में क्या है एग्जिट बटन के लिए कमांड बटन ले लेते हैं यहाँ से हम लोग एग्जिट के लिए। ओके यहाँ से उसका कैप्शन चेंज कर देते हैं कमांड से एग्जिट। इसको भी हम लोग फॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया रेडी हो गया। ठीक है ये हमारा मेन हमारा आइडेंटिटी कार्ड के लिए हमारा ये जो है वो सारा रेडी हो गया है। देन अब हम इसको क्या करना है कोडिंग सेक्शन पे जाते हैं। तो कोडिंग सेक्शन पे जाने के लिए इस पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको क्या लिखना है सिंपली एंड। या पे एंड लिखना है स्मॉल लेटर या उसका स्मॉल लेटर पे लिखते हैं एन डी इस टाइप से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेन हमको मिल जाएगा। ठीक है इस टाइप का हमारा क्या हो गया प्रोग्राम तैयार है। हमको खाली वहां से एग्जिट करना है वो सारे उसमें लिख के हमको एग्जिट करना है। तो हम इसमें ऐसा वर्क करते हैं। ठीक है अब हम सिंपली इसको रन करते हैं।
हमारा आखिर मेरा हम कंपाइल करते हैं। एंड करते रहे इसलिए हम लोग इसमें वो क्या हो रहा है हमारा जो आउटपुट है वो वहाँ पे आ नहीं पा रहा है, तो हम लोग सिंपली हमारा यहाँ पे डिबग करते हैं पहले क्या है। एक्चुअली हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, हमारा आउटपुट आएगा सेम एज हमारा जैसे क्या है ये हमारा ये आउटपुट आ गया है ना, ऐसे ही हमको क्या करना है उस पर लिखना है आउटपुट। ऐसे हमको क्या करना है वो इसमें नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, क्लास स्टूडिंग जो भी है, देन डेट ऑफ बर्थ और ये सब लिख के लास्ट में हमको क्या करना है उसको एग्जिट। ठीक है, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। इस टाइप का हमारा क्या है उस पर हमको अपना वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें क्या क्या यूज़ किए हैं, टेक्स्ट बॉक्स, लेवल एंड कमांड बटन। हमने ये लेवल्स यूज़ किया है, ये लेवल है और ये भी लेवल है, और टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ किए हैं, टेक्स्ट बॉक्स, देन हमारा क्या है एक कमांड बॉक्स यूज़ किया है। लेवल हमारा ये है, टेक्स्ट बॉक्स ये है और हमारा ये कमांड बटन है। तो हमने ये सारी चीज़ इसमें क्या किए हैं यूज़ किए हैं, तो उसके बेसिस पे हमने क्या ये ड्रॉ किया है। वैसे ही हम लोग और बाकी प्रोजेक्ट्स भी ऐसे तैयार कर सकते हैं ना, इसमें कैसे हम लोग इसको बनाना है, कैसे वर्क करना है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें दिया है। हम लोग जैसे इसको ड्रॉ कर देते जाएंगे और यहाँ से उसके प्रॉपर्टीज हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन हम लोग और यहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेटर्स और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं ऐसे ही। ओके, तो आज का हमारा जो क्लास था वो यहीं तक का था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसमें और अच्छे से वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।